वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। वोटा लाए जाते हैं, वोटा लेके कुछ देंदे है नहीं गए। हमारे देश में गणतंत्र अधिकारों का, हमारे अधिकार तो मिल गए, नियम कानून तो बन गए, लेकिन वो जो अधिकार गरीब किसान मजदूर को मिलने चाहिए थे वो 74 साल बाद भी नहीं मिले। अपना गणतंत्र दिवस है, जो हमारा संविधान कहता है किरत करने वाले लोगों के साथ इंसाफ होगा, वो इंसाफ मांगने की बात कर रहे हैं। ये महापंचायत जो है अपने आप में सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ एक तरह की पंचायत रखी है संयुक्त किसान मोर्चे ने। मोदी सरकार हमको लिख के दिया था हमारा 6 मांग को विचार करेंगे, 9 दिसंबर, 1 साल हो गया अभी तक। मोदी जो गद्दार है, बीजेपी जो गद्दारों का सरकार है, किसान का दुश्मनों का सरकार है, खेत मजदूर का दुश्मनों का सरकार है, गरीब मजदूर का दुश्मनों का सरकार है, आज साबित हो गया वो जो वादा करता है वो पूरा नहीं करता। एक गद्दारों का सरकार को गर्दन पकड़ के हटाना तभी देश बचेगा। नमस्कार, न्यूज किलिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं हरियाणा के जींद अनाज मंडी में, जहां किसानों की महापंचायत जारी है। इस महापंचायत में उत्तर भारत के किसान एकत्रित हो रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन देश भर में आंदोलन का एक ऐलान किया था, जिसमें देश भर में ट्रैक्टर रैलियाँ और जिला मुख्यालय प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी के और आसपास के जो उत्तर भारत किसान हैं उनको यहाँ पे एकत्रित करने का बात कही गई थी, जिसमें वो भविष्य के आंदोलन की जो क्या पड़ाव होगा और किस क्रम में आगे का आंदोलन किसान आंदोलन ले जाएंगे, क्योंकि इनका आरोप है जो किसान आंदोलन जो 2 साल पहले दिल्ली की सीमा पर चल रहा था, सरकार ने जो इनसे वादे किए थे वादे पूरे नहीं हुए हैं। वादा खिलाफी के खिलाफ एक तरह का विरोध प्रदर्शन का जरिया है और इस किसान महापंचायत में हम आपको लेके चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता इस महापंचायत के बाद क्या ऐलान करते हैं और क्या वो मांगों को लेकर पंचायत कर रहे हैं। इसके अलावा जो आम किसान में शामिल हुए हैं वो किन मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। ये गणतंत्र दिवस है, सारे देश में मनाया जा रहा है, तो देश का किसान आंदोलन एक संदेश देना चाहता है कि हम आज भी इकट्ठे हैं, हमारी एकता बरकरार है। और गणतंत्र दिवस के मौके पर जो देश के संविधान पे हमला है, मानव अधिकारों पे जो हमला है, उसके खिलाफ एक संदेश देने के लिए आज इकट्ठे हो रहे हैं। 26 जनवरी को जब हम दिल्ली में थे तो हमने जो एक मार्च निकालना था, किसान परेड का नाम दिया था उसने, तो उस किसान परेड को हताहत करने के लिए, मोर्चे को डिसयूनाइट करने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों ने हमारे उस जो मार्च था उसको सैबोटेज किया था और इस तरह से हो गया था कि जैसे मोर्चा टूट जाएगा। लेकिन फिर 27, 28, 29, 30 जनवरी को मोर्चा संभला और मोर्चा एकजुट होके 19 नवंबर को मोदी जी को वापस कानून वापस लेने पड़े और हमारा जो मोर्चा है उस, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उसके बाद और कामयाब हुआ। उस दिन की याद में आज हम दिखाना चाहते हैं कि 26 जनवरी को आपने तोड़ने की कोशिश की थी, हम आज ये जो रिपब्लिक डे के ऊपर दिखाएंगे कि हमारे जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर वो एकजुट है और हमारे जो ऑलरेडी आंदोलन का दूसरा दौर शुरू हो चुका है उसका एक स्टेज है जींद रैली और जींद रैली में फिर एकजुटता दिखाएंगे। जो ऐतिहासिक आंदोलन हुआ उसमें 3 काले कानून वापस हुए, वो एक बहुत बड़ा जीत किसान आंदोलन एकजुट आंदोलन का जीत हुआ। पर तब जो मोदी सरकार वादे किए थे उन वादों से वो पीछे हटे थे। तमाम जो वादा खिलाफी सरकार ने की है इसके खिलाफ एक बड़ी लामबंदी जरूरी है इस मौके पे, क्योंकि सरकार ने हमने जो इस आंदोलन को स्थगित किया था ना कि इसको खत्म किया था, तो ये एक मोर्चे ने इस दिन को इसलिए चुना है कि पिछली बार भी जब सरकार ने 26 जनवरी को जब दिल्ली की तरफ किसान गए थे तो एक बड़ा षड्यंत्र किसानों को बांटने का किया था, हिंदू और सिख किसानों को, तो उसी के विरोध स्वरूप आज ही का दिन इसलिए चुना गया है कि आज बड़े पैमाने पे एक लामबंदी की जाए और आगामी आंदोलन की घोषणा की जाए कि जो फसल मुआवजा उसको लेके खत्म करें। जो बिजली कानून को वापस लेने का बात था उसमें जो बदलाव ले आए
वो वापस नहीं ले आए, वो पार्लियामेंट में ले आए। जो इस आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, उनके परिवारों को मुआवजा देने का बात था, वो नहीं हुआ। समर्थन मूल्य को लेके एक कानून बनाने का, कम से कम उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम का, उसका कुछ हुआ नहीं है। और उसके साथ साथ जो लखीमपुर खेरी में हमारे जो किसान भाई शहीद हुए, एक मंत्री का बेटा जो एक गाड़ी के नीचे रोंगटे हुए, तो उनके वो जो है आज मंत्री अभी भी सरकार में कायम है, तो उसके खिलाफ हम देश भर में ये एक तो दूसरा चरण इस आंदोलन का हम लोग कहेंगे। गृह राज्य मंत्री के बेटे मोनू मिश्रा जो एक जेनोसाइड के कत्लेआम के गुनाहगार हैं, एक सामान्य घटना नहीं थी, एक दिल दहलाने वाला षड्यंत्र था जिसके अंदर निर्दोष हमारे मेरे साथ जो साथी थे और एक आप जैसा पत्रकार जो मेरी बाइट ले रहा था, वो वहाँ पर शहीद हुए। और सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देता है और साथ में 4 किसानों को भी हमारे जो निर्दोष थे, सवाल ये नहीं है कि उनको जमानत दे दी, वो निर्दोष थे, उनको पैरिटी के आधार पर जमानत दे दी। और एक पंचायत नहीं हो सकती, एक पंचायत के आधार पर भी 2 तुम्हारी जमानत दे दी, 2 उनको जमानत दे दें, तो ये तो कोई पैरामीटर नहीं है। और उसके पिताजी गृह राज्य मंत्री हैं, लगातार प्रभाव है। प्रदेश सरकार ने विरोध तो किया लेकिन पूरी तरह से पैरवी नहीं कर सकी, और पहले दिन से प्रदेश सरकार उनको बचाने के लिए लगी खड़ी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि जिन्होंने 100 मोटो लिया और प्रायोरिटी पर इसकी पूरी मॉनिटरिंग की केस की, और कहीं ना कहीं आज जो न्याय थोड़ा बहुत मिला सुप्रीम कोर्ट की वजह से मिला है। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस पर जरूर सख्त एक्शन लेगा, और जो जमानत मिली है उससे हम आहत जरूर हैं कि जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। कोई भी किसी कोई ऐसा एविडेंस सरकार के पास है, हमें जवाब दे सकते हैं सरकार कि किसानों के ऊपर कर्जा किस लिए चढ़ा, कोई आपके पास एविडेंस है ऐसा? हम बता रहे हैं कि किसानों के सिर कर्जा आपकी बेईमानी से, आपकी गलत नीतियों से चढ़ा हुआ है। आपने कारपोरेट का पक्ष पूरने के लिए लागत खर्चे बढ़ाए, ऐसा मॉडल दिया जिसने खेती सेक्टर को फेल कर दिया। अभी आप उनकी इस धंधे को हड़प करना चाहते हैं, ये अनाज के ऊपर कारपोरेट का कब्जा कराना चाहते हैं, ये मार्केट है जो अनाज मार्केट उनके हवाले करना चाहते हैं, ये हमें नहीं बर्दाश्त, ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो दौरा चरित्र है और जो कॉरपोरेट परस्त उनका कैरेक्टर है, वो पिछले आंदोलन में भी पूरी तरह सफल हो गया था, एक्सपोज हो गया था, बेनकाब हो गया था। और आज फिर हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो MSP की कानूनी गारंटी और जो कुल मिलाकर पूरे देश में MSP को लगाने का, क्योंकि अब तक तो 6% किसानों को ही मिलता है, तो मूल रूप से जो किसान का खर्चा है और उसकी जो आमदनी है उसके बीच में जो गैप है वो महामुनाफे के तौर पे कॉरपोरेट को जा रहा है। तो हम ये आह्वान आज यहाँ कर रहे हैं कि लोग इस कॉरपोरेट सेक्टर के खिलाफ खड़े हों, और ये जो मोदी सरकार उनका राजनीतिक एजेंट है कॉरपोरेट का, उसको सत्ता से हटाने का आह्वान किया जाएगा। और आज से ही ये शुरू करने वाले हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में आंदोलन को देश भर में तेज करेंगे। हम आम जो किसान है, जो पूरे देश को पूरे समाज को जिंदा रखता है, वो तमाम फल सब्जी दूध अनाज पैदा करके उसकी जो हालत है उसको आत्महत्या करने पे मजबूर है। उनकी ज़मीनें बिक्री है, उनको दाम नहीं मिल रहे हैं और उनकी बहुत बुरी हालत है। लेकिन उनमें से किसान परिवारों की जो महिलाएं हैं या वो एकल महिलाएं, विधवा महिलाएं हैं, उनकी और भी ज़्यादा दयनीय स्थिति है। अगर किसान कर्जे के दबाव में आत्महत्या करता है तो कर्जे से किसान की एक उपस्थिति दर्ज होती कर्जे से आत्महत्या की है। लेकिन कोई महिला कर्जे से आत्महत्या करती है तो वो किसान के रूप में भी दर्ज नहीं होती है, क्योंकि महिलाओं की जो एक पहचान किसान के रूप में, मजदूर के रूप में, एक नागरिक के रूप में है, वो जिस तरह का हमारा समाज उसमें कम है। लेकिन ये किसान आंदोलन जो चला,
इसने काफ़ी महिलाओं को बाहर निकालने के लिए एक स्थिति पैदा की, जिसमें महिलाओं ने कंधे से कंधा मिला के वो 13 महीने जो दिल्ली के बॉर्डरों पे टोलों पे किसान आंदोलन चला, उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। रोटी बनाने से लेके अनाज इकट्ठा करने से, पैसा इकट्ठा करने से लेके और टोलों पे पहुँचाने से लेके गीत गाने नारे, और बहुत महिलाएं हैं वो अपना बोलना सीखी हैं, वो अपनी स्टेज के माध्यम से बात कहना सीखी हैं। ये हमारे किसानों के अंदर जो संघर्ष का मादा है उसको प्रकट करता है कि हमारी किसान सभा और दूसरे संगठन जींद जिले की जो नरवाना तहसील है उस अकेली तहसील से 50,000 लोगों के खाने का इंतजाम किया गया है और 60,000 लोगों के चाय का इंतजाम किया गया है। एक एक गांव की तरफ से आप ये अंदाजा लगाइए 2-2 क्विंटल दूध उन्होंने भेजा है, और हमने ये इस बार तय किया कि गांव में हर घर से खाना लेके आएंगे, तो हर घर में गांव ने रोटियां बना के घरों में परिवारों में और इकट्ठी करके ट्रालियों में वो साथ लेकर आए हैं वो रोटियां, और सब्जी और चावल का इधर ही इंतजाम किया है। ये पहली बार एक अपनी तरह का शानदार उदाहरण है कि कैसे मतलब एक सामुदायिक भावना कम्युनिटी फीलिंग से मतलब इतने बड़े आयोजनों को सफल बनाया जा सकता है। ये सभी वर्गों की उससे होया है, हाँ सभी बरादरी सभी वर्ग ने मिलकर कराया, ये गांव-गांव से सबसे रोटियां मनकाई है, गांव-गांव से सामान आया। जब मैं किसी घर के अंदर जाके रोटियों की बात करूंगा और उन्होंने पूछा किस लिए, हमने कहा कि उत्तरी भारत के बहुत बड़ी संख्या में किसान जींद महापंचायत में पहुंचेंगे और उनके लिए खाने का प्रबंध करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। ये एक मैसेज वहां किसान के हर घर में भी पहुंचा रोटी के माध्यम से, रोटी की लड़ाई में रोटी की मांग की गई। तो अब ये लोगों को भी जरूर महसूस होगा, हम ये तो नहीं कह रहे कि संयुक्त किसान मोर्चा अकेला जो है सरकार को पलट सकता है, इस देश की जनता के अंदर जिस तरीके का क्षमता है, हम अपने संदेश को लेके जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है कि लोग इसको बर्दाश्त करने वाले हैं नहीं वास्तव में। आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और तेज करेंगे। जब हम उस समय में 19 नवंबर में जो नरेंद्र मोदी घुटना टेकते हुए 3 कानून वापस लिए, उस आंदोलन दिसंबर तक गया, 380 दिन का आंदोलन रहा, और तब भी हम कहे तात्कालिक रूप से हम इसको स्थगित करते हैं और किसान का हित के लिए यह आंदोलन जारी रहेगा। आज कृषि संकट और गहरा हुआ है, हर साल हजारों किसान और खेत मजदूर खुदकुशी करने में मजबूर है, पिछले 8 साल में 1 लाख से ज्यादा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा किसान और खेत मजदूर आत्महत्या किए, इसी समय में लगभग 2.5 लाख दिहाड़ी मजदूर जो किसान परिवार से हमारे खेत मजदूर परिवार से गांव से आते वो भी आत्महत्या किए हैं। ये कृषि संकट कितना गहरा है ये दर्शाता है। तो इस सरकार सबसे ज्यादा आजादी के इतने साल में सबसे किसान विरोधी एक सरकार रहा, तो उसके खिलाफ आंदोलन जारी रहे। ये हमारी कोशिश है कि देश के सामने किसान और जनता मिलके 2023 में 24 से पहले एक ऐसा आंदोलन शुरू करे कि जिसमें पार्लियामेंट में जो राज कर रही इस बार बीजेपी और आरएसएस है, उसको इस तरह से पेश किया जाए कि कैसे ये लोगों के साथ वादा करके उससे मुकरती है और इनको कम से कम पॉलिटिकली लोगों के सामने एकदम आइसोलेट कर दिया जाए। आम किसान मजदूर से महिलाओं का कई गुना ज़्यादा बड़ा संघर्ष है घर से बाहर निकलना, इसलिए हम जनवादी महिला समिति की तरफ से नारा लगाते हैं कि जीना है तो लड़ना होगा, घर से बाहर निकलना होगा। और गांव-गांव तक हम किसान आंदोलन के अंदर भी गए हैं और अभी भी ये पंचायत जो भी फैसला लेगी, जनवादी महिला समिति बढ़ चढ़ के इस आंदोलन को मजबूत करने में कंधा से कंधा मिला के मदद करेगी।